हेलो आज मैं आपसे कोरोना वायरस पर कुछ बात करना चाहूँगा क्योंकि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में त्रासदी मची हुई है पूरी दुनिया के लाखों लोग इससे पीड़ित हुए हैं और भारत में तो ये संख्या तीस हज़ार के भी पार हो गया और अमेरिका में दस लाख के भी पार हो गया और पूरी दुनिया में तीस लाख का संख्या ये पार हो गया है तो इसे भारत के अभी तीस लोग इसलिए पता चले क्योंकि टेस्ट हुआ है मात्र मुश्किल से कोई इसका दस गुना ज़्यादा मान लीजिए कि यानी तीन से चार लाख लोग का ही टेस्ट हुआ है तो पता चला है तीस हजार लोग ही इससे पीड़ित इससे मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर भी मेरे हिसाब से लाखों लोग का भी संक्रमित हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर टेस्ट किट नहीं है यहाँ पर उतना संख्या में टेस्ट किट नहीं है इस कारण से लोग पता नहीं चल पा रहा है कि लोग आखिर कितने लोगों को ये बीमारी हुआ है तो आखिर में हम अपनी बात को शुरुआत करना चाहेंगे कि टीवी चैनल में का जो भी खबर आ रहा है न्यूज़ आ रहा है वो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि जितना भी वो सब है पूरी तरीक़ा से किस दिन वो सब थर्ड वर्ल्ड वार करा रहा है सब चाइना और यूएस में फिर से और युहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को लेकर क्या क्या फर्जी खबर फैला रहा है सब लेकिन मैं इसका बेसिक के बारे में आप सबसे बोलना चाहूँगा कि जैसे कि इसको इसको सबसे पहले मतलब इसका तीस इसका बीस दिसंबर के समय समय इसको पहले बार रिपोर्ट किया गया था युहान में उसके बाद से पहली बार डॉक्टर जो इसके थे ली वेन लियांग ली वेन लियांग ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था इस बीमारी को बाद में उन्होंने ये इस बीमारी के बारे में लोगों को बताया भी था लेकिन चाइना की सरकार और युहान एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में ये बीमारी फैलते गया उसके बाद से हम आते हैं तो यूहान जो शहर है चाइना का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है ये बीमारी लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि ये फैल जाता है तो उसके बाद से ये चाइना पूरी तरीक़ा से अपना एयर से जो हवाई जहाज़ है वो पूरी तरह से यूरोपियन देशों को बंद कर देता है लेकिन उसके बाद से इटली में स्पेन में फ्रांस में ये तबाही मचाता है और उसके बाद से अमेरिका में बाद में आता है उसके बाद अमेरिका में जो तबाही मचाता है वो बहुत ही भयानक होता है जो अभी भी चल रहा है वहाँ पर तो लेकिन यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर आखिर में इतना भयानक स्थिति आखिर में हुआ कैसे तो जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो आरोप लगाते हैं चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन पर मीन्स वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने झूठ बोला और वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है और फिर से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना की शी जिंगपिंग के नेतृत्व वाला वो बोल रहा है कि नहीं ये तो नेचुरल वाला नेचुरल प्रोसेस से ये बीमारी फैला है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप देखें जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो या फिर से व्हाइट हाउस का आप ट्वीट आप देखें कि वो जो भी ट्वीट करता है जैसे व्हाइट हाउस उसके बाद से माइक पोम्पियो जो करते हैं वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं तो वहाँ के जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में काफ़ी अंतर होता है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ और है कि ये ये चाइना से ही निकला हुआ है चाइना की एक साजिश है चाइना एक बायोलॉजिकल विपन के रूप में इस कोरोना वायरस को यू यूज़ कर रहा है लेकिन जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कि सिक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके बाद से वहाँ की होम अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि नहीं ये नेचुरली प्रोसेस से है तो बाद में हम अंतर विरोध ही देख रहे हैं अमेरिका में कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका का जो शासन है उसमें ही अंतर विरोध चल रहा है इसलिए इसके नतीजे पर अभी हम चल नहीं रहे हैं तो पिछले दिनों एक खबर आई थी एक नए कैरेक्टर का इस कोरोना वायरस में प्रवेश हुआ था उनका नाम था एंथनी फाउची ये एंथनी फाउची अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का फॉर्मल नेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ है इसके डायरेक्टर 1984 से हैं मीन्स ये करीब छः सात राष्ट्रपति को देख चुके हैं ए, ये डायरेक्टर उन्नीस से ही इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के हैं तो फिर से एंथोनी फाउची एंथोनी फाउची एक दिन ए, उनका ट्वीट पर आता है दो साल पहले कि उन्होंने बोल उन्होंने बोला है कि एक ऐसा महामारी दो तीन साल में आएगा पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा भयंकर त्रासदी में ले जाएगा तो जो एंथोनी फाउची होते हैं उनको ये सब कैसे पता होता है बाद में मालूम चलता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो यूहान में होता है जो टेस्ट करता है चमगादड़ पर उसको यूएस डिपार्टमेंट ने ही से यू डिपार्टमेंट ने ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी नहीं तीन मिलियन डॉलर प्रति सालाना वहाँ पर रिसर्च के लिए दिया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई चाइना का साजिश है शुरुआत से ही अमेरिका का सरकार अमेरिका का प्रशासन वहाँ का मीडिया झूठ बोलते रहा है और लोगों को परेशान करते रहा है तो मुझे ये लगता है कि चाइना चाइना का ये दोस्त तो है ही कि उन्होंने कोरोना बीमारी को छुपाया और पूरी दुनिया में फैलने दिया और इसमें सबसे उ, उसके बाद से चौथे कैरेक्टर का इसमें प्रवेश होता है वो होते हैं डब्ल्यू के चीफ उनका नाम है टेडोस एदनॉम टेड्रोस एदनॉम इथियोपिया इत्यो, के एक बेहतरीन डिप्लोमेट हैं और उसके बाद से इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री और विदेश मंत्री भी वहाँ के रह चुके हैं और वहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी से ये संबंधित हैं तो इथियोपिया का चीन से बहुत अच्छा कारोबार है चीन ने वहाँ पर अच्छा खासा निवेश किया हुआ है तो यूएस ने वहाँ आरोप लगाया खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो जो टेड्रोस एदनॉम है वो पूरी तरीके से चाइना के दबाव में है और उसके दबाव में काम करे मीन्स डब्ल्यू एच ओ ने अच्छा से पूरी दुनिया को गाइड नहीं किया है कोरोना वायरस पैंडेमिक के ये पर पॉइंट पर तो पूरी तरीका से ये इनका भी ये एक कैरेक्टर होता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हां थोड़ी बहुत लापरवाही डब्ल्यू एच ओ ने भी निभाई है लेकिन अगर पूरा आरोप उस संस्था पर ही मर देना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है क्योंकि वो डायरेक्टर अगर आ, आ, क्योंकि अगर हम पूरी तरीका से डब्लू एच ओ पर ये आरोप मर देते हैं तो उसके डायरेक्टर तो मान लेते हैं कि इथियोपिया के क्योंकि चाइना चाइना का प्रभाव इथियोपिया पर लेकिन उसी के हम आते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर पर तो उसके डब्ल्यू एच ओ के डिप्यूटी डायरेक्टर सौमिया स्वामीनाथन है जो एम एस स्वामीनाथन जो हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन किए थे उनकी बेटी हैं और वो इंडियन सिटीजन है तो ये इंडिया पर भी आरोप लगेगा तो हम लोग एज अ सी फिर से न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर से वाशिंगटन पोस्ट में जो खबर निकल रहा है वो वही सब खबर कॉपी पेस्ट करके हमारी न्यूज़ मीडिया चला रही है वो चाहे आज तक हो जी न्यूज़ हो ए न्यूज हो कुछ हद हाँ तक हम एन डी को भी ले सकते हैं तो ये सब चला रही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी न्यूज़ चैनल पर हम उतना ज़्यादा इस पैंडेमिक में भरोसा कर सकते हैं ख़ासकर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो हम अपना बहुत ज़्यादा सुरक्षा कर सकते हैं और इस न्यूज़ चैनल से अगर हम जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रह सकते हैं सो so, थैंक्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैं चाहूँगा कि आप सब इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें सो so, थैंक्स